ये हम लोग का सेकंड ब्लॉग है, जा रहे हैं अब देखने की और बच्चा सब अभी क्या कर रहा है सब, मतलब कैसे एग्जाम आने वाले उसका प्रिपरेशन कर रहा है सब। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले हम अपना कुछ सामान उसको लॉक कर देते हैं, फिर आपको लेके चलते हैं। यहाँ पे डायरी है मेरा पर्सनल, इसको हम पहले लॉक करेंगे, फिर हम चलेंगे आपको दिखाने कि और लड़का भी क्या कर रहा है सब। अभी कौन सा इसमें ये वाला, चलिए गाइस आपको दिखाते हैं। ये अभी सो रहा है सब, चलिए यहाँ पे सब लड़का यहाँ पे बदमाशी कर रहा है सब। गाइस देख सकते हैं ये गुलशन है और ये आशीष का रूम है, आइए आपको दिखाते हैं आशीष का रूम। आशीष आओ अंदर, आप अपना रूम बताओ, आओ आशीष। आशीष का रूम है, आशीष यहाँ पे पढ़ रहा है, बताओ आशीष तुम्हारे अपने रूम को थोड़ा एक्सप्लेन करो। यहाँ पे कुछ पैसा देखो, मेरा रुपया चुरा लिया गया, इसको पैसा बाद में लेंगे, इसका खजाना देखा जाएगी कौन क्या। देखिए हम लोग अच्छे लग रहे हैं इसमें कैमरे में, कुछ सब लॉक है गाइस, सब लॉक है, सबको कुछ ना कुछ खजाना है। ये पार्ट टाइम जॉब, ये मतलब ऐसे ये नवनीत का भीख मांगने का कटोरा है गाइस। आइए दूसरे लड़के के रूम में चलते हैं, ये सोने का प्लानिंग कर रहा है सब गाइस, सो रहा है, उसको तंग कर रहा है यार, छोड़िए रात हो गया है। चलिए आपको ये फर्स्ट फ्लोर है आपको दिखाते हैं, ये हम लोग का बाहर जाने का गेट है गाइस। ये इलेक्ट्रिकल रूम है जिसमें कुछ है वह नहीं, बस रूम नंबर 13 किसका है, खोलेगा खोलेगा। लग रहा है सोया है, ये नहीं खोलेगा गाइस। आपको दिखाते हैं रूम नंबर 12 में कौन रहता है, रूम नंबर 12 में एंट्री कीजिए, लाइट ऑन करो। देखिए ये सब अपने ही से अभी यहाँ पे कपड़ा वपड़ा सुखाने का जुगाड़ बना लिया है सब, सब पड़ रहा है सब यहाँ पे। इससे मिलिए, कॉलेज का सबसे मतलब सीधा लड़का है, कहीं भी जी था तुम पढ़ाई करो चुपचाप, एग्जाम आने वाला है एक महीने में, आपको बाहर ले चलते हैं छत पे। अब छत पर से आपको व्यू दिखाएंगे हम रात में हम लोग का कॉलेज कैसे दिखता है, तो चलिए आपको हम लोग ले चलते हैं छत पे। एंड अभी हो रहा है रात के 11:51, उल्टा दिख रहा होगा आपको, लेकिन अभी के टाइम हम लोग छत पे जा रहे हैं आपको दिखाने, दिखाने आपको गोपालगंज पॉलिटेक्निक का नाइट व्यू और छत पे से। और यहाँ पे देखिए हमारे मित्रगण, यहाँ पे सेफ्टी डिपार्टमेंट के फायर आग लगने के लिए और ये फिर से फायर को बुझाने के लिए हमारे नवनीत भाई हैं और ये हुक्का है चिल मार रहे हैं। छोटा सा हम लोग का फ्लोर है, यहाँ से हम लोग का बेबी छत है, मिनी छत मान लीजिए या कुछ भी ऐसा, यहाँ पे हम लोग रात को आ सकते हैं, लोग यहाँ पे आना अलाउ है। और दिखाना चाहेंगे यहाँ पे से हम लोग BH1 देख सकते हैं आराम से, रात को तो सही से नहीं दिख रहा लेकिन यहाँ से जो हरियाली दिखता है हम लोग को, मतलब घास वाला हरियाली, हम और किसी हरियाली का बात नहीं कर रहे हैं, तो अच्छे से दिखता है अभी यहाँ से। बस हम लोग आपको कैंपस दिखा सकते हैं, कैंपस बस यहीं तक पीछे का है, पीछे ज़्यादा कुछ है नहीं, यहाँ पे छोटा सा एक पानी टंकी हम लोग को रात को दिखता है। फिर हम लोग का जूनियर जो सब आए सब आएगा सब, वो सब BH1 में आएगा सब, जो हम लोग के जस्ट पास में ही है एकदम, लेकिन हाँ थोड़ा सा गैप है, सबसे ज़्यादा हरियाली उस तरफ है, बहुत ज़्यादा पेड़ है उस तरफ। बगल में ही हम लोग का कैंपस यहाँ से बीच में, अभी रात का टाइम है तो दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन बगल में हम लोग का कैंपस है। चलिए आपको अब छत पे चल के दिखाना चाहेंगे छत का नज़ारा, छत का नज़ारा कैसे दिखता है रात को हम लोग का गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भोपाल में, तो जल्दी से चलिए आपको लेके चलते हैं छत के ऊपर। यहाँ पे छत पे लाइट का मतलब व्यवस्था नहीं है, तो छत पूरा अंधेरा अंधेरा दिखेगा रात को, और यहाँ पे ये लेकिन बस आपको यही दिखाना चाहेंगे छत अभी अंधेरे में दिख रहा है, सुबह का कभी ब्लॉग बनाएंगे तो आप उसमें देख लीजिएगा। बस हम आपको रात में जो हम लोग का कैंपस दिखता है उसका व्यू दिन में कभी नहीं देखने को मिलेगा, ये हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये हम लोग का जो कैंपस दिखता है ये BH3 हुआ, हम लोग के सीनियर जो हम लोग के जो अभी सीनियर हैं वो इसमें आएंगे, और उधर एक छोटा सा ग्राउंड है, आप लोग को दिख जाए तो बहुत बड़ा बात है, अरे उधर से दिख जाएगा ना, हीरो उधर से दिख जाएगा। और हम लोग का ये छोटा सा कैंपस है, यहाँ पे हम लोग बस नेत्र सूक्ष्म बस यहाँ पे आराम करने के लिए हम लोग बैठ सकते हैं लोग, अरे यहाँ पे बहुत अच्छा कैंपस है। और ये हम लोग का कॉलेज का मतलब बिल्डिंग है जहाँ पे हम लोग मतलब पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, उधर कोने में एक छोटा सा वर्कशॉप है जहाँ पे मतलब आप लोग जब
फर्स्ट टाइम होंगे या फिर मैकेनिकल ब्रांच है तो पूरा सेम भर आपको वहाँ पे काम करना है। उधर गर्ल्स हॉस्टल अगर दिखाई दे रहा होगा साफ से तो आपको दिखाई देगा। बस इतना ही है, अभी रात को दिखा सकते हैं, सुबह रहता तो आपको हरियाली भी दिखाते हैं। सो बाय।